मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम मिस्टर सूरज दत्तात्रेय चिमने, मैं वेस्टीज में एज एग्रीकल्चर ट्रेनर हूँ। आज हम एक नए प्रोडक्ट की हम बात करेंगे, एक ऐसा प्रोडक्ट जो फसल की इम्यूनिटी जो है उसको अच्छा करने में काम करता है, और इसके भी रिजल्ट बाकी प्रोडक्ट के जैसे रिजल्ट है, इसके रिजल्ट भी उसी तरीके से शानदार है। इनफैक्ट मैं आपको शेयर करना चाहूँगा कि जितने भी हमारे एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स हैं, सभी प्रोडक्ट के जो रिजल्ट है वो बहुत ही लाजवाब है, बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है। चलिए आज हम बात करते हैं एग्री गोल्ड के बारे में। जैसे हमने नैनोटिक की स्पेशलिटी देखी थी, हमने एग्री ह्यूमिक की स्पेशलिटी देखी, मॉस क्या काम करता है ये हमने देखा, एग्री 82 कैसे काम करता है, कितनी डोज में उसको इस्तेमाल करना है, इसकी हमने इंफॉर्मेशन प्राप्त की। आज एक नया प्रोडक्ट एग्री गोल्ड, ये किस तरीके से काम करता है, ये फसल में हम इसको कैसे इस्तेमाल करा सकते हैं, आज हम इसको जानने की कोशिश करेंगे। एग्री गोल्ड, अगर शॉर्टकट में आपको याद रखना है तो आप इसको स्पिरुलिना के नाम से आप याद रख सकते हो, यानी टॉनिक। यानी ऑलमोस्ट पिछले एक 1.5 साल से हर किसी को इम्यूनिटी के बारे में मालूम है। अगर कोई छोटा व्यक्ति है या फिर बड़े उम्र के व्यक्ति है, हर किसी को इम्यूनिटी के बारे में मालूम है और इम्यूनिटी का क्या इम्पोर्टेंस है हमारे लाइफ में, ये पिछले 1.5 साल में हमने बहुत देखा। अगर हमारी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी तो हमें बाहर के जो रोग है, वायरस है, उसका खतरा जो है वो बहुत ही कम है। लेकिन हमने अपने इम्यूनिटी का तो ध्यान रखा, लेकिन फसल की इम्यूनिटी का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और जो आपके सामने स्क्रीन पे जो प्रोडक्ट है एग्री गोल्ड, ये उसी का काम करता है। फसल की इम्यूनिटी को अच्छा करने में हमारा एग्री गोल्ड जो है ये बहुत ही यूजफुल काम वहाँ पे करता है। अगर पौधे की इम्यूनिटी अच्छी रहेगी तो उसमें बाहर से कीट रोगों का भी जो अटैक है वो भी वहाँ पे कम होगा। तो स्पेशली फसल की इम्यूनिटी को अगर हमें अच्छा करना है तो उसके लिए हम वहाँ पे एग्री गोल्ड का इस्तेमाल जो है हम वहाँ पे कर सकते हैं। आमतौर पे जब भी फसल में कोई तनाव आता है, स्ट्रेस आता है, जैसे क्लाइमेटिक कंडीशन अगर चेंज होती है तो भी फसल पे आपको वहाँ पे स्ट्रेस आता है, तो फसल को तनाव मुक्त करने के लिए, फसल को स्ट्रेस से बाहर निकालने के लिए भी हमारा एग्री गोल्ड वहां पे काम करता है। व्हाइट रूट्स को डेवलप करने में ये काम करता है। इसका भी इस्तेमाल जो है वो आप हर प्रकार की फसल में आप इसका इस्तेमाल जो है हम कर सकते हैं। जमीन के ऊपर वाली जो फसल होती है, जैसे धान की फसल, सब्जियों की फसल, जितने भी सारे प्रकार की जो फसल है जमीन के ऊपर वाली फसल, उनमें हम स्प्रे में इस्तेमाल कर सकते हैं 1.5 ग्राम प्रति लीटर। और जो स्पेशली रूट्स क्रॉप है, जमीन के अंदर वाली जितनी भी सारी फसल है, प्याज की फसल, लहसुन है, गाजर है, अदरक है, मूली है, हल्दी है, इनमें अगर आप एग्री गोल्ड को यूज करते हो तो किसी के साथ भी, सिंचाई के साथ या फिर किसी भी फर्टिलाइजर के साथ अगर हम वहां पे एग्री गोल्ड को यूज करते हैं, स्पेशली रूट्स क्रॉप में, तो जो नीचे फल बनेगा उसका साइज आपको वहां पे बहुत ही अच्छे तरीके से आपको वहां पे दिखाई देगा। जो आपका प्याज बनेगा उसकी साइज आपको वहां पे बढ़िया मिलेगी, जो आपका नीचे लहसुन होगा, अदरक होगी, हल्दी होगी, इसकी साइज आपको वहां पे बहुत ही अच्छे तरीके से आपको वहां पे दिखाई देगी। तो स्पेशली जो जमीन के ऊपर वाली फसल होती है उनमें हम स्प्रे में इस्तेमाल करा सकते हैं 1.5 ग्राम प्रति लीटर, और जमीन के अंदर वाली जितनी भी सारी फसल होती है आप इसको किसी भी खाद के साथ, सिंचाई पानी के साथ सिंचाई में हम इसको इस्तेमाल करा सकते हैं। 100 से 200 ग्राम एक एकड़ के लिए एग्री गोल्ड की हमारी डोज रहेगी। आई होप आपको एग्री गोल्ड के बारे में जो इंफॉर्मेशन है वो आपको बहुत ही यूजफुल साबित होगी। जब हम फील्ड में जाते हैं, किसी को हम बताते हैं तो आप एग्री गोल्ड की स्पेशलिटी क्या है ये आप उनको बता सकते हो। Thank you very much. Once again, wish you well and good morning.